टू माई न्यू ब्लॉग। और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, अच्छे होंगे तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं आज आया हूँ तो अपने आशीष समाधा मंदिर के पीछे, आप पीछे देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के, और जो कि इधर भी पानी है, ये पानी वो पानी नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो ऊपर से काई आई हुई है, तो यहाँ पर क्या कि यहाँ पर 3 बार नहाने से काफ़ी सारी एलर्जी दूर होती है, काफ़ी सारी बीमारियाँ दूर होती है। तो ये सारा पानी ऐसा है, तो पंचम के दिन यहाँ आते हैं तो लोग और नहाते हैं। यहाँ पर जो पुराने कपड़े होते हैं वहाँ छोड़ जाते हैं, इधर सीढ़ियों के अंदर देख पा रहे हैं यहाँ पे आप। तो ये मतलब कि रीज़न क्या है, कहानी क्या है, तो पूरी हिस्ट्री में इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो वीडियो के अंदर बने रहे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में। चलो चलते हैं, अंदर का सारा दिखाऊँगा। ये देखिए जी, सभी जुड़ जाइए और देखिए ये मंदिर, समाधा मंदिर हांसी के अंदर ये मुख्य द्वार है। यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर की तरफ, देखिए ऊपर इधर से देखिए, और मैंने एंट्री कर ली है अंदर की तरफ, मैं अंदर पहुँच गया हूँ। यहाँ बालाजी का दरबार देखिए कितना अच्छा, और इधर से मैं दिखाऊँगा आपको जो वो हवा ट्री पेड़ है बताते हैं लोग, तो ये पेड़ है वो इधर से, और यहाँ से जाने का रास्ता उधर से जाएंगे तो आगे तरफ मैं दिखाऊंगा सारा। देखिए दोस्तों सामने वो पेड़ है, इधर से देखिए वहाँ पर पूजा होती है पेड़ की, और लोग सभी मानते हैं अच्छी, काफ़ी दर्शक आते हैं यहाँ पर समाधा मंदिर के अंदर। तो ये कारण क्या है, ये सभी लोग पेड़ पेड़ दिखाते हैं ऊपर से, तो रीज़न क्या है सारा, पूरी हिस्ट्री बताते हैं, तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं आपा, तो नीचे की तरफ मैं ले जा रहा हूँ आपको। तो क्या बात है, ऐसी क्या खास बात है, यहाँ पर देखिए इधर से जो ऊपर लोग बताते हैं हवा ट्री हवा में झूल रहा है, तो ऐसा मतलब कि अपने देखने को आप मिलता है वीडियो के अंदर। तो ये मेन जड़ जो है, जो यहाँ पर पूजा भी होती है, तो इधर से देखिए ये है यहाँ पर, यहाँ पर बाबा जी की जगन्नाथपुरी की यहाँ पर पूजा होती है, और इधर से काफ़ी दर्शक आते हैं यहाँ पे। तो नीचे से मैं दिखा रहा हूँ ऊपर, ऊपर नीचे से ऊपर तक, ऊपर भी दिखाऊँगा ऊपर की तरफ, पहले ये इसको दिखा देता हूँ मैं। इधर से देखिए जड़, ये इधर ऊपर जाल बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ दिखाऊंगा मैं, जो सामने पेड़ भी है ये ऐसे बना रखे है। जाल इसलिए बना रखा है कोई बच्चा या कोई मतलब कि बंदा देख रहा है तो यहाँ नीचे की तरफ ना गिर जाए, तो इसलिए बना रखा है, सपोर्ट मिली हुई है नीचे से। ये देखिए इधर से, और सारा मैं यहाँ पर पूजा होती है मैंने दिखाया, और सारा ये देखिए नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ चलूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं आ गया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर देखिए जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है पूजा होती है यहाँ पर, और मंदिर के मैं दर्शन कराऊंगा साथ में। ये देखिए इधर से, जय भोलेनाथ, इधर से मैं भोले बाबा पे ये हो गए दर्शन। ये मैंने 2 केले बाबा के दरबार में चढ़ा दिए, जय बाबा की करिए बाबा चैनल यूट्यूब चैनल, हे बाबा। फिर मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ, काफ़ी संख्या में लोग बालाजी के दर्शन, बाबा जगन्नाथपुरी के दर्शन। इधर से देखिए कितना अच्छा दरबार है ये, और इधर से बात की जाए बाबा जगन्नाथपुरी, इधर से देखिए इधर से देखी जाए तो, यहाँ पर बात करी जाए तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती है आपको, कितना अच्छा और सुंदर मंदिर है ये। उधर बालाजी, ये घंटा बजा देता हूँ काफ़ी बड़ा। दोस्तों ले चलते हैं उस पेड़ के पास जो हवा ट्री जो आपको सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है, तो यहाँ पर
काफ़ी सारे यूट्यूबर आते हैं जितने भी, तो यहाँ पर आते हैं वो बंदर। देखिए इधर से मैं दिखाता हूँ, देखिए इधर से देखिए, ये वो पेड़ है जो आपको YouTube वीडियो के अंदर देखने को मिलता है। काफ़ी सारे लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूजा भी होती है। ये जो पेड़ है मैं नीचे से दिखाया और ऊपर की तरफ ये दिखा रहा हूँ, ये जो जाल बना हुआ है, ये पेड़ किसके सहारे डटा हुआ है। और दोस्तों झूठ या सच आपके सामने है। जो वीडियो लोग वीडियो बनाते हैं काफ़ी ये ऊपर की तरफ दिखाते हैं, मैंने आपको वीडियो के अंदर प्रॉपर दिखाया है। ये ऊपर देखिए पेड़ और किस पे डटा हुआ है, ये देखिए बड़ के पेड़ के पास डटा हुआ है ऊपर की तरफ, और ये देखिए इधर से ये लटका हुआ है, और ये बड़ का पेड़ है, ये नीचे की तरफ गया हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ ये बड़ का पेड़ है। इसके पास ये सपोर्ट मिली है, इसको ऑक्सीजन लगा लो, सपोर्ट लगा लो, जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं आप देख ही सामने है आपके जो भी है। तो इधर से देखिए क्या करते हैं लोग, काफ़ी संख्या में आते हैं और ऊपर की तरफ वीडियो बना ले जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं दिखाते। तो मैंने इस वीडियो के अंदर प्रॉपर दिखाया आपको, तो वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए काफ़ी सारे ग्राउंड बना हुआ है यहाँ का। तो क्या करते हैं, जो ये पेड़ है यहाँ पर काफ़ी संख्या में मेला भी भरता है, यहाँ पर कौन सा दिन होता है वो, तो यहाँ पर मतलब कि पूजा के लिए अपनी मनोकामना के लिए आते हैं और ये तागा बांध जाते हैं। आप उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद में फिर ये पूजा के लिए आते हैं, यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। इधर देखिए इधर से देख रहा पा रहे हो आप प्रॉपर, इधर से भी दिखाता हूँ आपको। सवादा मंदिर में इस पेड़ की खास बात है, लाखों यूट्यूबर आते हैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। वो ऊपर की तरफ दिखा देते, पूरी हिस्ट्री नहीं दिखाते, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर हिस्ट्री है। तो यहाँ पर देखिए इधर जाल बना हुआ है, ये देखिए जब भी लोग आते तब। दोस्तों मैं एड्रेस और बता देता हूँ आपको, सिसाई पुल से अंदर की तरफ आओगे और समाधा मंदिर के अंदर ये पेड़ है जो आपको देखने को मिलता है। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, और मेन गेट उधर से देखिए, ये देखिए इधर से उधर से आओगे आप इधर से, तो सारा दृश्य आपने आपको देखने को मिलेगा। इस गेट के अंदर से एंट्री करोगे तब ये पेड़ के दर्शन होंगे आपको। मतलब कि काफ़ी सालों से ये पेड़ लटका हुआ है, तो इनको प्रॉपर सपोर्ट मिली हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हरा भरा भी दिखाई दे रहा है।